वेलकम टू कास्मर का सयाना। चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग जो है एनसीईआरटी पेज नंबर 53 यानी कि चैप्टर नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के सभी पार्ट का लिंक दे दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन में चेक करके उसको भी देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फाइलम इज द लार्जेस्ट फाइलम किंगडम एनविलिया, यानी कि इनमें से सबसे लार्जेस्ट फाइलम एनविलिया का कौन सा है। ऑप्शन में दिया है एनिलिडा, सेकंड दिया है आर्थोपोडा, थर्ड दिया है मोलस्का, फोर्थ दिया है हेमिकार्डेटा। तो आर्थोपोडा जो होता है वह किंगडम एनविलिया का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, ऑफ द ऑल नेम स्पीसीज ऑन द अर्थ अबाउट व्हाट परसेंटेज आर आर्थोपोड्स, यानी कि अर्थ पर आर्थोपोड्स के करीब कितने परसेंट पाए जाते हैं। आंसर में दिया है 25%, 75%, 50%, 33%। तो अर्थ पर जो है आर्थ्रोपोड के करीब 75% पाए जाते हैं, इसलिए इसका सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, आर्थ्रोपोड्स आर्थ्रोपोड कैसे होते हैं। ऑप्शन में दिया है बायलेटरल सिमेट्रिकल के होते हैं, दूसरा दिया है ट्रिप्रोब्लास्टिक होते हैं, थर्ड दिया है सेगमेंटेड एंड सिलोमेट होते हैं, फोर्थ दिया है ऑल ऑफ दीज। तो आर्थ्रोपोड इस सभी प्रकार के हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड इज कवर्ड बाई एग्जोस्केलेटन मेड अप ऑफ, यानी कि जो आर्थ्रोपोड्स का बॉडी होता है उसका बाहरी आवरण किस चीज से बना होता है। ऑप्शन में दिया है सेलुलोज का, दूसरा दिया है पेक्टिन का, तीसरा दिया है काइटिन का, फोर्थ दिया है नन ऑफ दी। तो आर्थ्रोपोड का जो ऊपरी कवर होता है वह काइटिन का बना होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चन है ये टोटल और टोटल एनसीईआरटी पर है, तो इसको आप पेज नंबर को देख करके उस पेज को पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये किस लाइन पे से बनाया गया है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, जॉइंटेड अपेंडेजेज इज ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, जो जॉइंटेड अपेंडेजेज होते हैं जो बॉडी पार्ट एक दूसरे से जुड़े होते हैं ये किस चीज़ के करेक्टरिस्टिक हैं। ऑप्शन में दिया है मोलस्का के, आर्थ्रोपोडा के, एनिलिडा के, नन ऑफ दीज। तो जॉइंटेड अपेंडेजेज जो है वह आर्थ्रोपोडा के करेक्टरिस्टिक हैं, इसलिए इसका सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोडा इज डिवाइडेड इंटू, आर्थ्रोपोडा का बॉडी किस चीज में डिवाइड होता है। ऑप्शन में दिया है हेड, नेक, थोरेक्स, एब्डोमेन। तो आर्थ्रोपोडा का बॉडी जो होता है वह हेड में और नेक में, थोरेक्स में डिवाइड नहीं होता है, एब्डोमेन में डिवाइड होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सी डी यानी कि सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिस्पायरेटरी ऑर्गन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, यानी कि निम्न में से कौन सा आर्थ्रोपोड का रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है। ऑप्शन में दिया है गिल्स, सेकेंड दिया है बुक गिल्स, सी दिया है बुक लंग्स, डी दिया है ट्रैकियल सिस्टम। तो आर्थ्रोपोडा में ये सभी के सभी रिस्पायरेटरी सिस्टम के ऑर्गन हो सकते हैं, यह अलग अलग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा ऑल ऑफ दी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, इन आर्थ्रोपोड्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, यानी कि इनमें से आर्थ्रोपोड्स के लिए कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन में दिया है सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप एंड आर डायोसियस, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वह ओपन सिस्टम होता है और ये डायोसियस होते हैं। दूसरा दिया है आईज आर कंपाउंडेड एंड सिंपल बोथ टाइप्स, आईज होता है कंपाउंडेड भी सकता है और बोथ टाइप के भी सकते हैं, सिंपल भी सकता है। अगला दिया है फर्टिलाइजेशन इज यूजली स्टेरल, जो फर्टिलाइजेशन होता है वह बाहरी होता है। अगला ऑप्शन दिया है दे आर ओविपेरस विथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ये ओविपेरस होते हैं, डायरेक्टली भी सकते हैं और इनडायरेक्टली भी सकते हैं। तो इसमें से जो फर्टिलाइजेशन के बारे में दिया है, फर्टिलाइजेशन इज यूजली स्टर्नल, यह क्या हो जाएगा, यही आंसर इसका गलत है। यह एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इसमें नहीं होता है, इंटरनल होता है, इसलिए इसमें आपका 3rd नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सक्रीशन इन आर्थ्रोपोड्स टेक प्लेस बाय, इनमें एक्सक्रीशन यानी कि वेस्ट मटेरियल कैसे बाहर निकलता है। ऑप्शन में दिया है निफ्रेडिया,
दूसरा दिया है मेलफिगियन ट्यूब, थर्ड दिया है स्पिक्यूल्स, फोर्थ दिया है ऑस्टिया। तो आर्थ्रोपोडा में जो एक्सक्रीशन होता है वह मेलफिगियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है बैलेंस आर्गन इन आर्थ्रोपोडा आर नोन एज, आर्थ्रोपोडा का बैलेंस आर्गन किस नाम से जाना जाता है, बैलेंस आर्गन आर्थ्रोपोडा किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिया है ब्लेटोसिस्ट, स्टेटोसिस्ट, स्पिक्यूल्स, ऑस्टिया। तो बैलेंस आर्गन आर्थ्रोपोडा का स्टेटोसिस्ट नाम से जाना जाता है, इसका सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग आर इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट, यानी कि इनमें से कौन इकोनॉमिक कंडीशन के लिए इंसेक्ट बहुत जरूरी है। ऑप्शन दिया है एपीज, दूसरा दिया है बॉम्बेक्स, तीसरा दिया है लेसिफर्स, फोर्थ दिया है ऑल ऑफ दीज। तो ये जितने भी हैं, ये जितने भी इंसेक्ट हैं, वे सभी इकोनॉमिकली बहुत ही जरूरी होते हैं, इनसे हम इनकम कमा सकते हैं, तो इसलिए इसका ऑल ऑफ दीज सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्थ्रोपोड्स डज नॉट एक्ट एज वेक्टर, यानी कि इनमें से कौन सा आर्थ्रोपोड एक्ट के वेक्टर के रूप में काम नहीं करता है। ऑप्शन दिया है एनोफिलीज, सेकंड दिया है क्यूलिक्स, थर्ड दिया है एडीज, फोर्थ दिया है लोक्यूस्टा। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है लोक्यूस्टा, यह एक वेक्टर की तरह वर्क नहीं करता है। अगला क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल, यानी कि इनमें से कौन सा लिविंग फॉसिल है। ऑप्शन दिया है फर्स्ट दिया है लेसिफर, सेकंड दिया है बॉम्बेक्स, थर्ड दिया है एपीज, फोर्थ दिया है लिम्यूलस। तो जो इसमें से लिम्यूलस है वह लिविंग फॉसिल के लिए होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर फोर इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज ग्रेजेरियस पीस्ट, यानी कि ये इनमें से कौन एक भयंकर कीड़े के रूप में है। ऑप्शन में दिया है लेसिफर, सेकंड दिया है लोक्यूस्टा, थर्ड दिया है एपीज, फोर्थ दिया है लिम्यूलस। तो इसमें से जो लोक्यूस्टा है वह एक ग्रेजेरियस पीस्ट, यानी कि एक ग्रेजेरियस कीड़े की तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच, इनमें से कौन सा एक करेक्ट ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है। चलिए तो हम मैच करके देख लेते हैं कि इनमें से कौन कौन सा है। ऑप्शन में पहला क्या दिया है, एपीज का दिया है हनी बी, ये सही है। सेकंड दिया है बॉम्बेस का सिल्क वर्म, ये भी सही है। ऑप्शन थर्ड दिया है लुमिनस का मॉस्किटो, ये लुमिनस एक मॉस्किटो नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा और हमको इसी में से इनकरेक्ट ऑप्शन को बताना है, तो इसलिए इसका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल किंगडम, यानी कि निम्न में से कौन सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल किंगडम में आता है। ऑप्शन में दिया है एनिलिडा, सेकंड दिया है आर्थ्रोपोडा, थर्ड दिया है मोलस्का, फोर्थ दिया है कार्डेटा। तो आर्थ्रोपोडा के बाद जो है ये मोलस्का जो है सेकंड लार्जेस्ट एनिमल किंगडम में आता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, यानी कि इनमें से कौन सही नहीं है। मोलस्कस आर, यानी मोलस्कल कैसे होते हैं, मोलस्का कैसा होता है। ऑप्शन में दिया है फर्स्ट टेरेस्ट्रियल या एक्वाटिक होते हैं, सेकंड दिया है आर्गन सिस्टम लेवल आयनाइजेशन इनमें होता है, थर्ड दिया है रेडियली सिमेट्रिकल और ट्रिपलो ब्लास्टिक होते हैं, फोर्थ दिया है सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। तो ये जो होते हैं मोलस्का जो होते हैं वह रेडियल सिमेट्रिकल एंड ट्रिपलो ब्लास्टिक नहीं होते हैं, ये ऑप्शन गलत है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, यह थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है बॉडी ऑफ मोलस्कस इज कवर्ड बाई, मोलस्कस का बॉडी किस चीज से कवर्ड होता है। ऑप्शन दिया है ए डेड सेल, यानी कि इसका किस सेल से कवर्ड होता है। ऑप्शन दिया है मेड फॉर काइटिन, काइटिन का बना होता है, सेकंड दिया है कैलाकेरियस से बना होता है, ढका होता है, थर्ड दिया है सिलिका, फोर्थ दिया है नन ऑफ दीज। तो जो मोलस्का का बॉडी होता है वह कैलाकेरियस सेल से कवर्ड होता है, जो क्या होता है अनसेगमेंटेड होता है, ठीक है। और ये इनके अंदर होता है हेड मस्कुलर फूड, ये वेसल्स हम सभी इसके अंदर ही होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया है, मेंटल इज प्रेजेंट ओवर, मेंटल इनमें से किसमें प्रेजेंट होता है? ऑप्शन में दिया है हेड, मस्कुलर फूट, विसरल हम एंड थोरैक्स। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, विसरल हम में प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गिल्स आर प्रेजेंटेड इन मोलस्का, इन मोलस्का में गिल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ऑप्शन में दिया है हेड रीजन में, मेंटल कैविटी में, मस्कुलर फूट में और विसरल हम में। तो मोलस्का में जो गिल्स होता है वह मेंटल कैविटी में होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिस्पायरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन आर परफॉर्म इन मोलस्कियन एबाई, मोलस्का में रिस्पायरेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है? ऑप्शन में दिया है मेलपीरियन ट्यूबल्स के थ्रू, सेकेंड दिया है स्पंजोसेल के थ्रू, थर्ड दिया है गिल्स, फोर्थ दिया है कुनेडिया। तो इसमें से इसका थर्ड नंबर ऑप्शन यानी कि गिल्स के थ्रू ये फंक्शन करते हैं सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन मोलस्कन फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग इज प्रेजेंट ऑन माउथ इज नोन एज। चलिए ऑप्शन में दिया है मिडुला, रिडुला, मेंटल और टेंटिकल्स। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सेकेंड, रिडुला सही हो जाएगा। चलिए अब जो है हम एनसीईआरटी के पेज नंबर 34 पर आ जाते हैं और इस पर बने हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए एनसीईआरटी पेज नंबर 54 पर बने हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है मोलस्कन्स आर, मोलस्कन्स हो सकते हैं, ऑप्शन में दिया है डायोसियस, ओविपायरस, इंटरनल डेवलपमेंट, ऑल ऑफ दिस। तो मोलस्कन में ये सभी के सभी फीचर्स हो सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोलस्कियन, यानी कि इनमें से कौन मोलस्का नहीं है? पाइला ये मोलस्का नहीं है, पिनेटेडा ये भी नहीं है, उसके बाद क्या है ऑक्टोपस ये भी नहीं है, उसके बाद क्या है एपलाइसिया ये भी नहीं है, और ये लोक्यूस्टा ये है, और डेंटेलियम ये भी नहीं है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेल द इनकरेक्ट मैच, यानी कि इनमें से कौन इनकरेक्ट मैच है? तो इसमें से जो है ये जितने के जितने ऑप्शन हैं इनमें से ए और एफ ये क्या है इनकरेक्ट मैच है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है मेंबर्स आर विच आर द फॉलोइंग एनिमल्स हैव एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ स्किल्स, यानी कि ऐसे मेंबर्स एनिमल के जिनमें उनका एंडोस्केलेटन जो होता है ऑस्किल से बना होता है। ऑप्शन में दिया है पोरीफेरा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्माटा और मोलस्का। तो इसमें से जो थर्ड नंबर ऑप्शन है इकाइनोडर्माटा ये इसका सही हो जाएगा, ये ऑस्किल से मिलकर बना होता है इसका एंडोस्केलेटन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है ऑस्किल्स आर मेड अप ऑफ, ऑस्किल्स कैसे बने होते हैं? ऑप्शन में दिया है सिल्का से, कैल्शियम कार्बोनेट से, काइटिन से, पेक्टिन से। तो जो ऑस्किल्स होते हैं वे कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है सिमेट्री प्रेजेंट इन एडल्ट एंड लार्वल इकाइनोडर्म्स इज, जो इकाइनोडर्म का लार्वा और एडल्ट सिमेट्री होता है वो किस तरह का होता है? ऑप्शन में दिया है रेडियली एसिमेट्रिकल, सेकंड दिया है रेडियल बायलेटरल, थर्ड दिया है बायलेटरल एसिमेट्रिकल, फोर्थ दिया है एसिमेट्रिकल रेडियल। तो जो इकाइनोडर्म का लार्वल एडल्ट सिमेट्री होता है वह रेडियली बायलेटरल होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ इकाइनोडर्म इज, इकाइनोडर्म का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है? ऑप्शन वन में दिया है कंप्लीट, सेकंड में दिया है इनकम्प्लीट, थर्ड दिया है विथ टू ओपनिंग, फोर्थ दिया है वन एंड थर्ड। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो इकाइनोडर्म का होता है वह कंप्लीट और विथ टू ओपनिंग के साथ होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर इसकी दो ओपनिंग होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है माउथ एंड एनस आर प्रेजेंट ऑन विच साइड ऑफ इकाइनोडर्मेटा मेंबर्स, यानी कि इकाइनोडर्मेटा मेंबर्स में माउथ और एनस
किस साइड पर प्रेजेंट होते हैं? ऑप्शन वन में दिया है लोअर एंड वेंट्रल साइड, सेकंड दिया है वेंट्रल साइड डार्सल साइड, थर्ड दिया है वेंट्रल साइड लोअर एंड, और फोर्थ दिया है माउथ प्रेजेंट एंड अब्सेंट। तो इकाइनोडर्म में माउथ और एनस वेंट्रल साइड और डार्सल साइड में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट इन इकाइनोडर्म हेल्प इन। जो इकाइनोडर्म में वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है वह क्या हेल्प करता है? ऑप्शन वन दिया है लोकोमोशन में, सेकंड दिया है कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड यानी कि भोजन को पकड़ने में और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, थर्ड दिया है रिस्पायरेशन में, फोर्थ दिया है ऑल ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ऑल ऑफ दीज है वो सही हो जाएगा, क्योंकि जो इकाइनोडर्म्स का वेस्कुलर सिस्टम होता है वो लोकोमोशन कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और रिस्पायरेशन तीनों में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक्सक्रेटरी सिस्टम इन इकाइनोडर्म कंसिस्ट ऑफ। इकाइनोडर्म का एक्सक्रेटरी सिस्टम में क्या क्या शामिल होता है? ऑप्शन वन में दिया है मेलपिगियन ट्यूब्यूल, सेकेंड दिया है नेफ्रेडिया, थर्ड दिया है एक्सक्रेटरी ट्यूब्यूल्स, फोर्थ दिया है एक्सक्रेटरी सिस्टम अब्सेंट। तो इकाइनोडर्म्स का जो एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रेटरी सिस्टम इसमें अब्सेंट होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर इकाइनोडर्म्स, यानी कि इनमें से कौन इकाइनोडर्म्स के लिए सही नहीं है? ऑप्शन वन में दिया है रिप्रोडक्शन सेक्सुअल, यानी कि इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वह सेक्सुअल होता है, सेकंड दिया है फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल, इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है सामान्यतः एक्सटर्नल होता है, थर्ड दिया है डेवलपमेंट डायरेक्ट, इनका जो डेवलपमेंट होता है वह डायरेक्ट होता है, फोर्थ दिया है ये डायोसियस होते हैं। तो इकाइनोडर्म के लिए यह सही नहीं है, ये थर्ड नंबर ऑप्शन जो है वह सही नहीं है, ये डायरेक्टली डेवलपमेंट नहीं करते हैं, यही ऑप्शन सही नहीं है, बाकी तीन ऑप्शन सही हैं, हमको यहाँ पर गलत ऑप्शन को ही बताना था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, सी कुकुम्बर एंड सी लिली बिलोंग टू फाइलम, यानी कि सी कुकुम्बर और सी लिली किस फाइलम से बिलोंग करते हैं? ऑप्शन में दिया है आर्थ्रोपोडा मोलस्का, सेकंड दिया है मोलस्का इकाइनोडर्मेटा, थर्ड दिया है बोथ मोलोसियन, फोर्थ नंबर दिया है बोथ इकाइनोडर्मेटा। तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी कि इकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करते हैं, ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है टेल इन करेक्ट मैच, यानी यहाँ पर हमको इन करेक्ट मैच बताना है। तो एस्टेरिस ये सही मैच है, और स्कैनिस ये भी सही मैच है, और एंटेडॉन ये भी सही मैच है, यहाँ पर ये जो है ये गलत है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, ब्रिटल स्टार इज द कॉमन नेम ऑफ। ब्रिटल स्टार किसका कॉमन नाम है? ऑप्शन वन दिया है एस्टेरियास, सेकंड दिया है इग्नियस, थर्ड दिया है कुकुमारिया, फोर्थ दिया है ओफ्यूरा। तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। और यहाँ पर हम बता दें कि जो एस्टेरियस होता है उसे स्टारफिश बोला जाता है, इक्यूस जो होता है वह सी यूरेचिन होता है, एंटेडॉन होता है सी लिली, कुकुमरिया होता है सी कुकुम्बर, एंड ऑफ्लूरा जो होता है ब्रिटल स्टार के नाम से जाना जाता है। एनसीईआरटी के बुक में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको मार्क कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, हेमिकार्डेटा बिलोंग टू, हेमिकार्डेटा किससे बिलोंग करता है? ऑप्शन वन दिया है कार्डेटा, सेकंड दिया है नॉन कार्डेटा, थर्ड दिया है प्रोटिस्टा, फोर्थ दिया है नन ऑफ दीज। तो जो हेमिकार्डेटा है वह नॉन कार्डेटा से बिलोंग करता है, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट हेमिकार्डेटा फाइलम, यानी कि इनमें से हेमिकार्डेटा फाइलम के लिए क्या सही नहीं है? ऑप्शन वन में दिया है वर्म लाइक मैराइन एनिमल्स, ये ऑप्शन यहाँ पर क्या है सही है। चलिए अगला देखते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन ये भी सही है। सी दिया है रेडियली सिमेट्रिकल एंड ट्रिपलो ब्लास्टिक बॉडी, ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है, और
ए सिलोमेट होते हैं, ये भी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फोर्थ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन है, बॉडी ऑफ हेमिकार्डेट्स इज नॉट कम्पोज ऑफ, यानी कि हेमिकार्डेट्स का बॉडी किससे कम्पोज नहीं होता है। ऑप्शन में दिया है मेंटल, सेकेंड दिया है प्रोबोसिस, थर्ड दिया है कॉलर, फोर्थ दिया है ट्रंक। तो इनमें से ये जो तीनों ऑप्शन है ये हेमिकार्डिक बॉडी से कंपोज होते हैं। ऑप्शन नंबर वन जो है वो मेंटल हेमिकार्ड से कंपोज नहीं होता, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रेटरी आर्गन इन हेमिकार्डेट्स इज, हेमिकार्डेट का स्क्रेटरी आर्गन क्या है। ऑप्शन वन में दिया है निफ्रेडिया, सेकेंड में दिया है प्रोबोसिस ग्लैंड, थर्ड दिया है मेलफीगियन ट्यूब्यूल्स, फोर्थ दिया है ऑस्टिया। तो इसमें से जो स्क्रेटरी आर्गन होता है हेमिकार्डेटा का वह प्रोबोसिस ग्लैंड होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन हेमिकार्डेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट टेक प्लेस, हेमिकार्डेट इनमें से किसको फॉलो नहीं करता है। ऑप्शन वन में दिया है सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वह ओपन टाइप का होता है। सेकेंड दिया है डायोसियस होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। थर्ड ऑप्शन दिया है रिस्पायरेशन थ्रू गिल्स, यानी कि इनमें जो रिस्पायरेशन होता है वह गिल्स के थ्रू होता है। फोर्थ में दिया है डेवलपमेंट डायरेक्ट, डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, क्योंकि इनमें डेवलपमेंट जो होता है वह इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हेमिकार्डेटा, यानी कि इनमें से कौन हेमिकार्डेटा का एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन वन है बैलम ग्लासिस, सेकेंड दिया है एस्टेरियास, थर्ड दिया है साइकोग्लॉसस, फोर्थ दिया है ऑल बिलोंग टू हेमिकार्डेटा। तो इसका आंसर हो जाएगा एस्टेरियास जो है वह हेमिकार्डेटा का एग्जाम्पल नहीं है। चलिए फिर अब हम जो है एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 55 पर आ जाते हैं और इस पर बने हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम कार्डेटा, यानी कि इनमें से कौन फाइलम कार्डेटा का कैरेक्टरिस्टिक है। ऑप्शन वन में दिया है प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड, सेकेंड में दिया है वेंट्रल हालो नर्व कार्ड, थर्ड दिया है प्रेजेंट अ सिंगल फरेंजियल गिल स्लाइट, ऑप्शन फोर्थ में दिया है ऑल ऑफ दिस। तो जो फाइलम कार्डेटा का कैरेक्टर है इसमें से यह हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर कार्डेटा, यानी कि इनमें से कौन कार्डेटा के लिए सही नहीं है। ऑप्शन वन दिया है बायलेटरी सिमेट्रिकल, सेकंड में दिया है ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट आर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड दिया है पॉसेस पोस्टल एंड टेल, फोर्थ दिया है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, पॉसेस पोस्ट एंड टेल। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, यानी कि इनमें से कौन सही नहीं है। ऑप्शन वन दिया है कार्डेटा नोटो का प्रेजेंट होता है, ये सही है। सेकेंड में दिया है नॉन कार्डेटा, ये सेंट्रल नर्व सिस्टम वेंट्रल सोलॉइड डबल होते हैं, ये भी सही है। अगला दिया है कार्डेटा फेरिंग्स नॉट प्रोफरेटेड बाई गिल साइट, ये ऑप्शन क्या है गलत है, जो सही नहीं है वही बताना था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फाइला ऑफ कार्डेटा, यानी कि इनमें से कौन सब फाइला कार्डेटा नहीं है। ऑप्शन में दिया है यूरोकार्डेटा, सेकंड दिया है हेमिकार्डेटा, थर्ड दिया है सिफाइलोकार्डेटा, फोर्थ दिया है वर्टिब्रेटा। तो जो हेमिकार्डेटा है वह कार्डेटा का सब फाइला नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है ट्यूनिकाटा इज अ कॉमन नेम, ट्यूनिकाटा किसका कॉमन नेम है। ऑप्शन वन दिया है यूरोकार्डेटा का, सेकंड दिया है हेमिकार्डेटा का, थर्ड दिया है
सिफेलोकारिडा का, फोर दिया है वर्टिब्रेटा का। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यूरोकारिडा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है प्रोटोकारिडा कंसिस्ट ऑफ, प्रोटोकारिडा में क्या क्या शामिल होता है। ऑप्शन वन में दिया है यूरोकारिडा, हेमिकारिडा, सेकेंड में दिया है यूरोकारिडा वर्टिब्रेटा, थर्ड दिया है सिफेलोकारिडा यूरोकारिडा, फोर्थ दिया है सिफेलोकारिडा और वर्टिब्रेटा। इसलिए यहाँ पर जो है प्रोटोकारिडा जो है सिफेलोकारिडा और यूरोकारिडा शामिल होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है टेल द इनकरेक्ट मैच, हमको यहाँ पर इनकरेक्ट मैच बताना है। तो ऑप्शन में दिया है यूरोकारिडा, ये सही मैच है। यूरोकारिडा नोटोकार्ड स्टैंड फ्रॉम हेड टू टेल ऑफ ओनली लार्वा, ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। थर्ड में दिया है सिफेलोकारिडा नोटोकार्ड थ्रू लाइफ प्रेजेंट, हाँ ये सही है। सिफेलोकारिडा नोटोकार्ड होल बॉडी फ्रॉम टू टेल, ये भी सही है। हमको यहाँ पर गलत मैच बताना था तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूरोकारिडा, यानी कि इनमें से कौन यूरोकारिडा नहीं है। ऑप्शन वन में दिया है एस्केडिया, सेकेंड दिया है साल्पा, थर्ड दिया है ब्रंकियोस्टोमा, फोर्थ दिया है डोलिलोम। तो यहाँ पर जो ब्रंकियोस्टोमा है यह जो है सिफेलोकारिडा से बिलोंग करता है, इसलिए यह ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है टेल द इनकरेक्ट मैच, यानी कि इनमें से गलत आसन कौन सा है। ऑप्शन वन में दिया है एस्किडिया यूरोकारिडा, यह सही है। ऑप्शन सेकंड दिया है बेलंगोलासिस, ये हेमिकारिडा होता है, यह भी सही है। थर्ड दिया है टास्कसेल आर्थोपोडा, ये क्या है गलत है। और फोर्थ दिया है ब्रांकियोस्टोमा, जो क्या होता है सिफेलोकारिडा से बिलोंग करता है, यह भी सही है। तो यहाँ पर हमको इनकरेक्ट ऑप्शन बताना था इसलिए इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा, यानी कि निम्न में से कौन सा मेंबर सब फाइलम वर्टिब्रेटा बिलोंग नहीं करता। ऑप्शन वन में दिया है दे डिड नॉट पॉसेस नोटोकार्ड इन देयर लाइफ टाइम, यानी कि ये अपने पूरे लाइफ साइकिल में नोटोकार्ड नहीं रखते हैं, तो यही ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू वर्टिब्रेट्स है, यानी कि इनमें से कौन सही नहीं है वर्टिब्रेट के लिए। ऑप्शन वन दिया है वेंट्रल मस्कुलर हर्ट विदाउट चैम्बर, यह ऑप्शन सही है। ऑप्शन सेकेंड दिया है किडनी फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, यह भी ऑप्शन सही है। पेयर्ड अपेंडेजेज विच मे बी फाइंस या लिम्स, यह भी सही है। अगला ऑप्शन दिया है एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया कम्स अंडर वर्टिब्रेट्स, यहाँ पर इसका फर्स्ट नंबर ऑप्शन वेंट्रल मस्कुलर हर्ट विदाउट चैम्बर, यह ऑप्शन गलत है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब जो है हम जो है एनसीईआरटी पेज नंबर 56 पर आ जाते हैं और इस पर बने हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए फ्रेंड्स तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्टिब्रेटा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी डिवीजन, वर्टिब्रेटा को कितने डिवीजन में डिवाइड किया गया है। ऑप्शन नंबर में दिया है 2, 3, 4, 5, तो वर्टिब्रेटा को जो है दो डिवीजन में डिवाइड किया गया है। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है विच ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा इनटू डिवीजन इज वन ऑन विच बेसिस, यानी कि जो वर्टिब्रेटा का सब फाइलम है वह किसके बेसिस पर डिवीजन किया गया है। ऑप्शन वन दिया है प्रेजेंस अब्सेंस ऑफ नोटोकार्ड, यानी कि नोटोकार्ड के प्रेजेंस या अब्सेंस पर। सेकेंड दिया है प्रेजेंस या अब्सेंस जॉ जबड़े के प्रेजेंस या अब्सेंस पर। थर्ड दिया है प्रेजेंस या अब्सेंस ऑफ हर्ट हर्ट के प्रेजेंस या अब्सेंस पर। फोर्थ दिया है ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें से सभी, तो इसका जो सेकेंड नंबर ऑप्शन है सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, जैंथोस्टोमेटा डिवीजन ऑफ वर्टिब्रेट है, जो ग्रैंथोस्टोमेटा डिवीजन होता है वर्टिब्रेट का, उनमें क्या होता है? ऑप्शन वन दिया है जा, सेकंड है नोटो कार्ड, थर्ड दिया है डार्सल नर्व कार्ड, फोर्थ दिया है आह्लादीज। तो इनमें से ये तीन तीन ऑप्शन सही हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर फोर सही हो जाएगा, क्योंकि ग्रैंथोस्टोमेटा में डिवीजन में जो वर्टिब्रेट होता है इनमें से सभी ऑप्शन शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, साइक्लोस्टोमेटा इज द क्लासेस ऑफ, साइक्लोस्टोमेटा निम्न में से किसके क्लास में आता है? ऑप्शन वन दिया है अग्नाथा, सेकंड दिया है फिशेस, थर्ड दिया है टेट्रोपोडा, फोर्थ दिया है ग्रैंथोस्टोमेटा। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट अग्नाथा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, आर लिविंग मेंबर्स ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर, जो साइक्लोस्टोमेटा के सभी मेंबर्स होते हैं इनमें क्या होता है? ऑप्शन वन दिया है इंडो पैरासाइट ऑफ ह्यूमन, सेकंड दिया है इंडो पैरासाइट ऑन फिशेस, थर्ड दिया है इक्टो पैरासाइट ऑन फिशेस, फोर्थ दिया है इक्टो पैरासाइट ऑन ह्यूमन। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि आर लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा इक्टो पैरासाइट ऑन सम फिशेस पर होते हैं। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंबर ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमेटा माइग्रेट फॉर स्पाइंग टू, यानी कि साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर्स माइग्रेट के समय क्या करते हैं? ऑप्शन में दिया है टेरेस्ट्रियल प्लेसेस पे जाते हैं, सेकंड में दिया है फ्रेश वाटर, थर्ड दिया है ओशन, फोर्थ दिया है नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट क्लास साइक्लोस्टोमेटा, यानी कि निम्न में से कौन क्लास साइक्लोस्टोमेटा के लिए सही है? ऑप्शन ए दिया है दे हैव सर्कुलर एंड सकिंग माउथ विथ जा, यानी कि इनमें जो है सर्कुलर सिस्टम, सकिंग माउथ और जा पाया जाता है। अगला ऑप्शन दिया है देयर बॉडी हैज पेयर फाइंस एंड स्केल्स, यानी कि इनका बॉडी जो होता है पेयर में होते हैं फाइंस और स्केल के साथ। ऑप्शन सी दिया है क्रेनियल एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेज, यानी कि इनमें जो क्रेनियल और वर्टिब्रल कॉलम होता है इनमें कार्टिलेज पाए जाते हैं। ऑप्शन डी दिया है सर्कुलेशन इज ऑफ ओपन टाइप एंड है ओनली टू ऑफ गिल्स स्लाइड फॉर रिस्पायरेशन, यानी कि इनमें जो सर्कुलेशन होता है वो ओपन टाइप होता है और इनमें रिस्पायरेशन के दो गिल्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसका सी नंबर ऑप्शन जो है सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है हैगफिश एंड लैम्प्रे बिलोंग टू विच क्लास, यानी कि हैगफिश और लैम्प्रे किस क्लास से बिलोंग करते हैं? ऑप्शन वन दिया है साइक्लोस्टोमेटा यूरोकार्डेटा, सेकंड दिया है क्रोनाइड्रोसाइट्स एंड साइक्लोस्टोमेटा, थर्ड दिया है बोथ साइक्लोस्टोमेटा, फोर्थ दिया है बोथ क्रोनाइड्रोसाइथिस, जो भी है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा, ये जो हैं ये साइक्लोस्टोमेटा से बिलोंग करते हैं। चलिए फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है लैम्प्रे इज द कॉमन नेम ऑफ, लैम्प्रे किसका कॉमन नाम है? ऑप्शन वन दिया है मैक्सिन का, सेकंड दिया है बेलेंगुलासिस का, थर्ड दिया है प्रेसिस्टिस का, फोर्थ दिया है नन ऑफ दीज। तो ये जो है इनमें से किसी का कॉमन नेम नहीं है, इसका कॉमन नेम जो होता है वो होता है पेट्रोमाइजॉन, स्पेलिंग क्या होता है इसकी PETROMYZON, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर इसका फोर्थ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है ग्रैंथोस्टोमेटा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सुपर क्लासेस, यानी कि ग्रैंथोस्टोमेटा को फर्दर कितने भागों में डिवाइड किया गया है, सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया है? ऑप्शन में दिया है 2, 3, 9, 4, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द सुपर क्लासेस ऑफ ग्रैंथोस्टोमेटा आर डिवाइडेड ऑन व्हाट बेसिस, यानी कि यहाँ पर जो ग्रैंथोस्टोमेटा होता है उसको सुपर क्लास को कैसे डिवाइड किया गया है, किसके बेसिस पर डिवाइड किया गया है? ऑप्शन वन दिया है प्रेजेंस या अब्सेंस ऑफ नोटोकार्ड, सेकंड दिया है प्रेजेंस या अब्सेंस ऑफ जा, थर्ड दिया है प्रेजेंस या अब्सेंस ऑफ हर्ट, फोर्थ दिया है प्रेजेंस ऑफ फाइंस एंड लिम्स। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा, ग्रैंथोस्टोमेटा के सुपर क्लास को फाइंस और लिम्स के
बेसिस पर डिवाइड किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है फाइसेस सुपर क्लासेस है हाउ मेनी क्लासेस, यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोंडोसाइथेस एंड ऑस्टियोसाइथेस क्लासेस ऑफ, ऑप्शन वन दिया है फाइसेस, सेकंड दिया है टेट्रापोडा, थर्ड दिया है साइक्लोस्टोमेटा, फोर्थ दिया है एग्नाथा, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है सुपर क्लासेस टेट्रापोडा है हाउ मेनी क्लासेस, यानी कि टेट्रापोडा का जो सुपर क्लास है कितने क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ऑप्शन में दिया है 2, 3, 9, 4, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 4 क्लास में डिवाइड किया गया है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लास ऑफ टेट्रापोडा, यानी कि इनमें से कौन टेट्रापोडा क्लास का नहीं है, ऑप्शन वन दिया है एम्फीबिया, सेकंड दिया है रेप्टिलिया, थर्ड दिया है कॉन्ड्रोसाइथेस, फोर्थ दिया है मैमल्स, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर थर्ड कॉन्ड्रोसाइथेस यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है पोइक्लियोथर्मस मीन्स ऑर्गेनिज्म इज, यानी कि पोइक्लियोथर्मस ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, ऑप्शन वन में दिया है वर्म ब्लडेड, यानी कि वर्म ब्लडेड होते हैं, सेकंड दिया है कैन रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर यानी कि ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, थर्ड दिया है कोल्ड ब्लडेड, तो यहाँ पर जो होता है पोइक्लियोथर्मस का मतलब होता है कोल्ड ब्लडेड से है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड अब जो है हम एनसीईआरटी पेज नंबर 57 पर आ गए हैं और जो है इस पर बने हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सही वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, इस चैप्टर के जितने भी वीडियो बनेंगे वो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया जाएगा। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन दिया है हर्ट हैव हाउ मेनी चैम्बर्स इन कॉन्ड्रोसाइट, यानी कि कॉन्ड्रोसाइट में कितने चैम्बर्स के हर्ट होते हैं, तो कॉन्ड्रोसाइटिस में जो है वह 2 चैम्बर का हर्ट होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर एंड पॉइजन स्टिंग इज फाउंड इन विच आर द फॉलोइंग, यानी कि इनमें से किस ऑर्गेनिज्म में इलेक्ट्रिक पावर और पॉइजन स्टिंग पाया जाता है, ऑप्शन वन में दिया है टॉर्पीडो स्कॉलिडॉन में, सेकंड में दिया है स्कॉलिडॉन प्रेस्टिस में, थर्ड दिया है टॉर्पीडो और प्रेसिस्ट में, फोर्थ दिया है टॉर्पीडो और ट्राइगोन में, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है टेल द इनकरेक्ट मैच, यानी कि इनमें से कौन इनकरेक्ट है, ऑप्शन वन दिया है स्काइलियोडॉन, तो यहाँ पर ये डॉग फिश है सही है, प्रशिष्ट ये शार्क फिश है ये भी सही है, और ये भी यहाँ पर सही है, ट्राइगोन जो है यहाँ पर गलत है, यहाँ पर हमको इनकरेक्ट बताना है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है ऑस्टियोसाइट बिलोंग टू विच सुपर क्लास, ऑस्टियोसाइट किस सुपर क्लास से बिलोंग करता है, तो जो है ये फाइसेस से बिलोंग करता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर फिशेस ऑफ ऑस्टियोसाइट क्लासेस, यानी कि इनमें से कौन ऑस्टियोसाइट क्लासेस के फिशेस के लिए सही नहीं है, तो यहाँ पर जो यह दिया है एयर ब्लैडर इज एब्सेंट, यही इसका ऑप्शन है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है हर्ट इन ऑस्टियोसाइटिस है हाउ मेनी चैम्बर्स, ऑस्टियोसाइटिस में हर्ट कितने चैम्बर का होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया है 2, 3, 4, यह हर्ट एब्सेंट होता है, तो यहाँ पर जो होता है ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है फीसिस ऑफ ऑस्टियोसाइटिस आर, यानी कि ऑस्टियोसाइटिस के फीसिस कैसे होते हैं, ऑप्शन वन में दिया है कोल्ड ब्लडेड, यह सही हो जाएगा। अगला है तो यहाँ पर जो है इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर फीसिस ऑफ ऑस्टियोसाइटिस, यानी कि निम्न में से कौन फीसिस ऑस्टियोसाइटिस के लिए सही नहीं है, ऑप्शन वन में दिया है सेक्सेस आर सेपरेट, इनके जो सेक्सेस होते हैं अलग अलग होते हैं, सेकंड दिया है फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, इनमें फर्टिलाइजेशन जो होता है एक्सटर्नल होता है, थर्ड दिया है ओवी पैरस,
फॉर देयर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, यानी कि इनमें जो डेवलपमेंट होता है वह इनडायरेक्ट होता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। यह क्या होता है, गलत दिया है, हमको यहाँ पर गलत ही बताना है, इसलिए यहाँ पर फोर्थ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है टेल द इनकरेक्ट मैच, यानी कि इनमें से इनकरेक्ट मैच कौन सा है। ऑप्शन वन दिया है एक्सो सीटस, यह यहाँ पर सही है। लेबिया का रोहू, यह भी सही है। बेटा का यह भी सही है। हिप्पोकैम्पस, यहाँ पर मैगार नहीं होगा। हिप्पोकैम्पस का जो होता है यहाँ पर सी हॉर्स के नाम से जाना जाता है। क्या होता है यहाँ पर, सी हॉर्स। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है विच आर द फॉलोइंग इज मैराइन फिश, यानी कि निम्न में से कौन मैराइन फिश है। ऑप्शन वन में दिया है लेबिया, सेकंड दिया है एग्जोसिटस, थर्ड दिया है क्लेरियास, फोर्थ दिया है काटला। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर थर्ड एग्जोसिटस यहाँ पर सही हो जाएगा, सॉरी सेकंड यहाँ पर है, तो यह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रेश वाटर फिश, यानी कि इनमें से कौन फ्रेश वाटर फिश नहीं है। ऑप्शन वन दिया है लेविया, सेकंड दिया है एग्जोसिटस, थर्ड दिया है क्लेरियास, फोर्थ दिया है काटला। यहाँ पर जो है सेकंड एग्जोसिटस जो है वो फ्रेश वाटर फिश नहीं है। तो फ्रेंड आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।